राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जान निहारा। तो भाई अब हम हैं चित्रकूट धाम में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अमन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का शर्मा जी के व्लॉग में। और अब हम हैं अपनी नाव में, जो कि बहुत ही महंगी पड़ी है, भैया ने कम नहीं किया है। और अब हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए और एक ऐसी जगह दिखाने जो कि बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ही कम लोगों ने देखी है। आप लोग देख के उसको बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आप बताइएगा कि आप लोगों ने वो जगह देखी है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में। आगे चलिए, थोड़ा व्यू वगैरह दिखाओ, सिनेमैटिक शॉट लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता। कहीं सुनहीं बहु विधि सब संता, यही वो पावन धरती है जहाँ से रामायण का जन्म हुआ था। मतलब ये है गांव तुलसीदास जी का। इस जगह का नाम है चित्रकूट और जहाँ पे हम खड़े हैं वो है राम घाट। यहाँ पे लोग नहाते हैं और अपने पाप धुलते हैं, क्योंकि गंगा नदी इसके लिए ही पावन है और इसी के लिए प्रसिद्ध है। आप हमारी हिंदी में बहुत 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 ज़्यादा सुधार देख रहे हैं, क्योंकि हम हैं यूट्यूब। जय श्री राम, जय श्री राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हु जो जान निहारा। अब चलो, तो अभी हम हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य के यहाँ पे आए और यहाँ पे एक शीश महल था और यहीं पे वो रहते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। और कभी कभी वो किन किन लोगों से मिलते हैं, अगर उनको टाइम रहता है तो वो मिल लेते हैं। अगर किसी के पास कुछ तकलीफ हो, ये हो वो हो, तो वो मिल लेते हैं कभी कभी। तो उनमें से हम भी एक थे जिससे वो मिले और बहुत ही अच्छा लगा हमें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो उन्होंने एक चौपाई कही रामायण की, तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और मैं अभी आपको ले चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने वो चौपाई कही और कैसे हम उनसे मिले, तो आइए देखते हैं। तो भाई यहाँ पे 11.5 वर्ष श्री राम जी ने स्नान किया है, जो उनके टाइम दिया गया था 14 साल का वनवास, उसमें से 11.5 साल उन्होंने यहीं पे रहे हैं, यहीं पे स्नान किए थे, यहीं पे आते थे। और
यहाँ पे तुलसीदास जी ने तिलक किया है श्री राम जी को, तो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही खतरनाक जगह है यार। और तुलसीदास जी के दर्शन, आई मीन राम भगवान के दर्शन तुलसीदास जी को यहीं पे हुए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, बहुत ही ज़्यादा एंशियंट जगह है, बहुत ही ज़्यादा कही हुई जगह है ये। Jai Ram 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 Jai Ram